Assalamualaikum, welcome to my new vlog. तनी आज बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है। थोड़ा आप बताना चाहेंगे आपके कौन सा इवेंट है? आज फिलिस्तीन के लिए। हाँ जी, फिलिस्तीन का इवेंट है। फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई जाएगी और उसके बारे में बताया जाएगा लोगों को कि क्या हो क्या रहा है वहाँ पे। एक इंटरेक्टिव सेशन होगा, इसके अलावा एक से बच्चों ने एक स्किट नहीं बेस्ट मतलब कि टॉपिक असल क्या है, फलस्तीन और इसराइल की जो वार हो रही है, जो जुल्म किया जा रहा है फलस्तीन पे, हम वो प्रेजेंट करेंगे आज इस इवेंट में, मजम्मत करेंगे। और ये भी उसमें टॉपिक होगा कि इसको किस क्यों नहीं लोग हेल्प कर रहे, ठीक है। आज का ये हमारा इवेंट है और ये बहुत अच्छा और बहुत मैं कुछ सैड इवेंट इसको समझता हूँ, क्योंकि इस तरह ऐसी चीज़ें इसमें दिखाई जाएंगी जो बहुत दर्दनाक, मतलब कि दिल को दहलाने वाली चीज़ें हैं। दर्द होता है वो देख के, फीलिंग्स हर्ट होती हैं। इंसानियत के साथ जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। बाकी आज ये साथ साथ चलते हैं इवेंट में, थिएटर भी है इवेंट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो दिखाते हैं आपको। ये अभी इवेंट की तैयारी हो रही है, सारा सेट वगैरह कर रहे हैं हम लोग, बस तकरीबन आधे घंटे के बाद इवेंट स्टार्ट होता है। इवेंट स्टार्ट होता है तो फिर मिलते हैं वीडियो में। जैसे ये खाने के प्यालों पर टूट पड़ती है, सही है। तो सहाबा कराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या हम तादाद में इतने कम होंगे? अच्छे से करना, ठीक है ना, मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो सहाबी अर्ज, चुप करो ना, तो सहाबी अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये तुमने पढ़ा, तुमने, मैंने सहाबी का बोलना, तुमने रसूल अल्लाह का जवाब दिया। हाँ ये मैं बोल, तो रसूल उस लहजे में बोलना, ठीक है, इसका लहजा सही करो, अपना भी सही करो, दोनों ने दिलों में बिठानी है ये बात। तो रसूल जवाब, अभी आपने देखा इवेंट हो रहा था उसके साथ, क्या वो क्या बोलते हैं उसको, जो थिएटर बोलते हैं, थिएटर भी हुआ, एक छोटा सा स्किट था एक, जो प्रेजेंट किया कि फलस्तीन के साथ क्या हो रहा है। लेकिन लोगों का मैंने एक चीज़ अंदाज़ा लगाया कि लोगों का बिहेवियर जो है ना, वो इतना, मतलब कि डेड रिस्पॉन्स जिसको कह सकते हैं हम, ये अल्फाज यूज़ कर सकते हैं, इतना वो है कि नो फीलिंग्स, उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। जी अभी मैं आ गया हूँ इकबाल कैंपस पे, पहले हम मेन कैंपस में थे जो बड़े वाला ऑडिटोरियम है वहाँ पे है, इसलिए वहाँ पे इवेंट होते हैं सारे। अभी मैं आ गया हूँ अपने इकबाल कैंपस में, ये दोनों झंडे मेरे साथ है। अभी मैं बाहर रक्शे पे बैठ के, खुले वाले रक्शा जो होता है उस पर बैठ के, मैं लोगों का व्यू, मतलब कि व्यू देख रहा था उनकी आँखों का कि वो क्या रिएक्शन देते हैं। इस तरह हैरानी से लोग देख रहे थे जैसे पता नहीं कि मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ। अगर आपने कोई काम करना है दिल से करें, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है उसमें, हमें फलस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए।
अगर हम कुछ नहीं तो कर सकते लेकिन उनके लिए दुआ ज़रूर कर सकते हैं, और दूसरों के लिए जो उनके साथ कर रहे हैं उनके लिए दिल में नफरत ज़रूर रख सकते हैं। अभी ऑफिस में जाके मिलते हैं। जो ऑफिस में अभी गए थे पानी वगैरह पिया है तो भूख बहुत लगी हुई थी, तो आज सोच रहे थे मैं व्लॉग भी बना रहा हूँ तो बाहर कहीं चलते हैं खाना वगैरह खाते हैं। गाड़ी अभी मुझे नीचे देने लगी थी तो मेरे ख्याल से ड्राइवर को गुस्सा चढ़ा हुआ है। दे देना चाहिए था तुम्हें, दे देना चाहिए था आपको, दे देना तुम्हें आपको। तुम वही सपोर्ट करती फलस्तीन को? मैं भी बहुत करता हूँ फलस्तीन को सपोर्ट। अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ, अभी देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। हवेली में जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? लाहौर हवेली में। लाहौर हवेली में जब भी खाना आ गया, बहुत मजे की बिरयानी है। कुछ लोग पराठा खा रहे हैं। कौन सा पराठा है? पराठा रोल। पराठा नहीं, पराठा रोल, चिकन पराठा रोल। वो मैंने टेस्ट किया, बहुत स्पाइसी है। बिरयानी अच्छी है, बिरयानी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए साथ मेरे कुछ जानवर भी बैठे हुए हैं, वो जानवर खा जाएंगे। रायता नहीं मिला भाई? बस ठीक है, पेप्सी। ओके हो गया, कर दें थोड़ी जल्दी कर दें। जो फ्राइज रह गई थी, फ्राइज ये देखिए मैं भी खाता हूँ फ्राइज। अच्छा वो नहीं, केचप नहीं ऐसा था। ये देखिएगा फ्राइज, ये फ्राइज है किसी की है? ये मेरी नहीं है लेकिन मैं खा रहा हूँ उनसे इजाज़त लेके। ये देखो मैं देखता हूँ, देख नहीं रहा, खा रहा हूँ। कच्ची है, कच्ची है, कच्ची है। गरम ये देखें, खाना मैंने खा लिया है। बस मैंने एक भी नहीं जीता। ये देखें ये जानवर मैंने जो बताया था एक साइड पे बैठा हुआ है। चिपस, आप अपना देखें, ये होता है जानवर से। और प्राइस को कहते हैं चिपस। तरतीब से खाना, तरतीब से। डिड यू गेट दैट? और वो क्या होता है? ये तो हैवान है, जंगली हैवान। ये हैवान भी आप लोगों ने बनाया है। और ये किसके शूज है? आपके? आपके। इस लंडन दो, दो साल से अभी तक नहीं चेंज किया, और अभी ये वाले पड़े हुए जो पहने हैं इन्होंने। मैम कहती बेटा कोई नाश्ता कर दा, बेइज्जती है वो बैठे रोज। ये मैम ने कहा था क्या? पार्टी तो नहीं। बड़ा मजे का खाना था यार, है ना? बड़ा मजे का खाना था। और बिल आ गया, बिल आ गया, कितना बिल? मैं हंस रहा हूँ, मेरी तो काम पे टांग पड़ी, मेरी तो काम पे टांग को टांगे टांग करो काम पड़ी। बिल देख के 600 जी। चाय वगैरह मैंने पी ली है, आज मेरा ऑफिस जाने का कोई दिल नहीं कर रहा क्योंकि कोई बंदा भी नहीं स्टैंड होता, वो लोग बाकी नहीं स्टैंड होते और ना हम लोग स्टैंड हो रहे हैं फलस्तीन के साथ। तो मेरा यूनिवर्सिटी में जाने का कोई दिल नहीं कर रहा, मैं छोड़ रहा हूँ और ये मैं आज के ब्लॉग को यहाँ एंड करने लगा हूँ। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और आप प्लीज़ फलस्तीन के साथ स्टैंड सपोर्ट करें सोशल मीडिया अपने आईडीज़ के ज़रिए। और ये मुंह बंद करो। ओके, अल्लाह हाफिज़।